अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को कुलपति नियुक्त किया है। एएमयू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये मौका लगभग 100 साल बाद आया है जब एएमयू में कुलपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। उनकी नियुक्ति का ऐलान सोमवार को देर रात किया गया। प्रोफेसर नईमा खातून का 3 दशकों से भी अधिक लंबा समय शैक्षणिक अनुभव है। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद उन्होंने अगस्त 1988 में एएमयू में लेक्चरर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एएमयू में विभिन्न शैक्षणिक पदों को संभाला है। वो जुलाई 2014 में एएमयू महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी। इससे पहले वो मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। राजनीतिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता के साथ प्रोफेसर खातून दिल्ली के अध्ययन विकास केंद्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी कर चुकी हैं। उन्होंने मध्य अफ्रीका के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा में भी फैकल्टी सदस्य के रूप में काम किया है। उन्होंने अक्टूबर 2015 से अलीगढ़ के एएमयू में सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग के डायरेक्टर की भूमिका भी निभाई। प्रोफेसर नईमा खातून शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम रही हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया और दुनिया भर के संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान व्यापक है। उनके नाम 6 पुस्तकें हैं। कई सम्मानित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं।